पूर्वांचल की ठंडी, मौसम विभाग अलर्ट कर चुका था कि ठंडी खूब पड़ेगी, लेकिन बाजार तो लोग आ ही रहे हैं, खूब धड़ाधड़ आ रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे जवान हों, चाहे बच्चे हों, कोई भी हो, घर तो कोई बैठेगा नहीं, बाजार तो करेगा ही, क्योंकि बाजार आना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे महिला हो। इधर देखिए कुछ महिलाएं बाजार की तरफ जा रही हैं। ये तिराहा है जो आजमगढ़ की तरफ रास्ता जा रहा है, इधर फैजाबाद अयोध्या की तरफ रास्ता जा रहा है, इधर मदिया पार अरवला की तरफ रास्ता जा रहा है, तो वहीं खड़े हैं मध्य में। देखिए आजमगढ़ से बस आ गई है, तो जैसा हाँ बताया हमने कि मौसम विभाग अलर्ट कर चुका था कि इस बार ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन फिर भी लोग घरों से निकल रहे हैं। और हाँ, अगर बाइक पर आप चलें तो एकदम जो है ठंडी हिला दे रही, लेकिन क्या करिएगा, जिसको ज़रूरत है तो जाएगा ही, और जा रहा है, जाना चाहिए ही। और देखिए पूरा दूर तक लोग जा तो रहे ही हैं, घर में तो कोई बैठेगा ही नहीं, तो हाँ हाँ ठीक है। क्या हाल, मौसम ठीक, मौसम है ठंडा, बहुत ठंडा मौसम है, है ठंडा, हाँ ठंडक पड़ रही पूरा, हाँ हाँ मौसम है ठंडा, बहुत बहुत बहुत, हाँ थोड़ा गलन है, थोड़ा आग उग सीखिए आप लोग, आग उग सीखेंगे, आपकी व्यवस्था तो नहीं बहुत, तो मान लीजिए कोई प्राइवेट में करवाए हैं, प्राइवेट, हाँ तो ये कोई नगर पंचायत तो है नहीं, हाँ नगर पंचायत नहीं, नगर पंचायत, तो अपने विधायक से मांग करिए, ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे विधायक से, नहीं अब वो आएंगे समय तो कहेंगे नहीं उनसे, अभी क्या अपील करना चाहेंगे कुछ, अभी कौन सा अपील करें, देवता आइए, एक देवता अपील की जाएगी जनता के लिए, जनता के साथ थोड़ा सहानुभूति करें, अलाव की व्यवस्था करवा दें, अलाव की व्यवस्था करवा दें, बस यही इतने निवेदन है आपसे, और बाकी कुछ नहीं करना, तो विधायक जी अलाव की व्यवस्था करवाइए, जनता आपको परेशान है, एकदम एकदम, नहीं तो ऑटोवा आपका बिगड़ जाएगा, फिर पाइएगा नहीं, रोड तो नहीं बिगड़ेगा, रोड तो है अस्थायी, जैसे कातरी दही रखी जाती नहीं, है, जैसे अस्थायी तो उनका है जो भाई कुछ लोग, हाँ लेकिन परेशान होंगे कैसे देंगे, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन सरकार चलिए मान लीजिए रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा, हाँ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं।